हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और अनामिका ब्लॉग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कल से होली स्टार्ट होने वाली है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है, आज का दिन बोलते हैं दुल्हन पूर्णिमा और हम लोग की भाषा में बोलते हैं जोरमो। तो उसी के लिए आज तैयारी कर रहे हैं सब लोग। सब लोग नहीं, हम लोग तो हम लोग के घर में कुछ रिलेटिव में किसी का देहांत हो गया तो हम लोग छू नहीं सकते उसे। तो यहाँ पर गांव के हम लोग के अंकल पास के चाचा लोग मिलकर बना रहे हैं। वो बनाने के लिए पहले मैंने एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि तो उसी मतलब चीज़ को सारे घर घर से उसको मतलब लेकर आएंगे, जो हम लोगों ने आंगन में लगाया था उसको खोल के सारे इकट्ठा करेंगे। तो उसी से एक छोटा सा घर बनाएंगे, तो उसे हम जोरमो बोलते हैं। तो उसको रात में पूजा करने के बाद ब्राह्मण आएंगे तो सब गांव के लोग, कुछ लोग भी आएंगे, तो वो सब पूजा करके उसे जलाएंगे। तो उसी दिन है आज, तो उसी के लिए तैयारियाँ हो रही है हम लोग के यहाँ, जो हम लोग के साइड घर के साइड में। तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ, वो सब बना रहे हैं तो उसको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ से ही दिखा रही हूँ क्योंकि बाहर इतना धूप है तो इसीलिए निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो यहाँ से दिखा रही हूँ आप सबको। और वो देखिए वहाँ पर कुछ चाचा लोग बना रहे हैं और भैया भी लोग शामिल है। तो इसी तरह से ये बनता है। और देखिए रात को यहाँ पर पूजा होगी और उसके बाद आरती वगैरह होकर इसको जलाया जाएगा। तो रात के टाइम भी थोड़ा बहुत मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी भी बच्ची को नहा कर उसका जो पानी है, हम लोग क्या करते हैं बच्ची को मतलब नहाने का पानी हम लोग धूप में रख देते हैं एक या दो घंटा। जब धूप में ही थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसी से पानी से ही हम लोग बच्चे को नहाते हैं। और बच्चे को नहाकर जो पानी बचता है ना, वो में हम लोग ऐसे बाहर में मतलब आंगन में ऐसे फेंकते हैं। इसे फेंकने से बहुत सारा इसका मतलब होता है, बहुत सारा बातें इसमें, तो मुझे वो सब तो मालूम नहीं है। तो सब लोग बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं तो उसी से वो लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से ही मैं करती हूँ। तो बस उसके बाद बच्चे का जो कपड़े है वो मम्मी ने ही धोया था, मैंने नहीं धोया। कभी कभी मैं भी धो देती हूँ लेकिन आज तो मम्मी ने सारा कपड़ा धोया है। तो उसी को ही मैं यहाँ पर मतलब धूप में रख रही हूँ, सुखाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी मतलब और भी मम्मी का बहुत सारा काम होता है ये सब करने के बाद, खाना वगैरह बनाना, मेरे लिए अलग से बनाना, उन लोगों के लिए अलग से बनाना। तो इसीलिए मम्मी को ये सब नहीं होता है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। थोड़ा ही बहुत हेल्प करती हूँ क्योंकि ज़्यादा हेल्प भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे मतलब मेरे कमर में ही दर्द होना शुरू हो जाता है और बच्चे को संभालना भी होता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर मैं कपड़े सारा धूप में डाल दूँगी। और उसके बाद आजकल क्या हुआ, कपड़ा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि रात को आजकल मैं हगिस पहना रही हूँ बच्चे को, क्योंकि रात भर बहुत ही परेशानी होती है, हर 10 मिनट बाद उठना पड़ता है। इसीलिए अगर हगिस पहना देती हूँ तो थोड़ी देर मतलब वैसे ही सो जाती है 2 घंटा 3 घंटा, तो इसीलिए मैं हगिस पहना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए भैया लोग बनाकर ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, तो देखिए इस तरह बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये अभी बन चुका है, तो मैं दिखाने के लिए आप सबको आई हूँ। तो यहाँ पर धूप कम हो चुका है तो इसीलिए मैं इसको दिखा रही हूँ आप सब। तो फ्रेंड्स देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और बीच में मिडिल में ये जो पेड़ है ये केले का पेड़ है। तो हर साल इसी तरह से ये बनाया जाता है। और उसके बाद देखिए शाम को आरती शुरू हो चुकी है, तो डायरेक्टली मैं शाम को ही ये शूट कर रही थी उसके बाद, और मैं वहाँ पर जाकर शूट करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है बच्चे घर में, बच्चे को छोड़कर मैं रात को वहाँ तक नहीं जा सकती। तो इसीलिए मैं यहाँ से उसको शूट कर रही थी, हम लोग के आंगन से उसको शूट कर रही थी करके घर में। तो बस इसी तरह से ये फेस्टिवल होती है, ये विष्णुप्रिया मणिपुरी में इस तरह का ही पूजा होता है। ये हर साल होली के एक दिन पहले ये पूजा होती है, दूसरे कास्ट में भी होती होंगे
मतलब अलग टाइप से इसका पूजा होता होगा, लेकिन हम लोग के जो नियम है तो इसी तरह से, तो जो है मैंने आप सबके साथ वही शेयर कर रही हूँ ये पूजा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।